सर अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही एक ही चीज है, सिर्फ समझने का तरीका अलग अलग है। इसका मतलब हर एक युग में साइंस और टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, बस उसे समझने और समझाने का तरीका अलग अलग होता था। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंत में आप समझ जाओगे। दोस्तों, हमें सबसे पुराना जो शिवलिंग मिला था वो हरप्पा मोहनजोदारो के समय का सिंधु सिविलाइजेशन का है, जो कि 3000 BC यानी के करीब 5000 साल से भी पुराना है। रामायण के मुताबिक रावण तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर शिवलिंग प्राप्त किया था, वो है 5014 BC यानी के करीब 7000 साल से भी पहले। धरती पर सबसे पुरानी जो मूर्ति पूजी जाती है वो है शिवलिंग। अगर आप सोच रहे हो कि शिवलिंग की पूजा सिर्फ हिंदू ही करते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि शिवलिंग को इजिप्शियन में भी पूजा जाता है। वहाँ के लोग इसे प्रयापास कहते हैं और इसराइल, पैलेस्टीन, साउथ अफ्रीका और बेबीलोन में भी शिवलिंग के पूजे जाने के सबूत मिले हैं। तो फिर शिवलिंग को इतना महत्व कैसे मिला? क्या शिवजी खुद इसमें बसते हैं या फिर शिवलिंग की पूजा करने के पीछे भी कोई साइंस मौजूद है? तो ये सब जानने के लिए थोड़ी और गहराई में चलना होगा। दोस्तों, पहले सभी मंदिर आगम शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपासना शास्त्र और दर्शनीय नियमों के अनुसार शोध करके निर्माण किया जाता था। ऐसा करने से वो जगह एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स बन जाता है। लेकिन करीब 200 साल से लोग मंदिर को अपने मर्जी के मुताबिक अपने डिजाइन में बना रहे हैं, जो कि असल में मंदिर नहीं है। असल में मंदिर बहुत ही पावरफुल स्थान होते हैं। अपने भारत में 12 ज्योतिर्शिवलिंग मौजूद हैं। इन सभी को आगम शास्त्र के मुताबिक निर्मित किया गया है। हर एक लिंग की अपनी एक खासियत है और इन 12 ज्योतिर्शिवलिंग को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। आपने भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग के बहुत से अलग अलग तरह के शिवलिंग देखे होंगे। यह सभी शिवलिंग इंसानों के द्वारा बनाया गया है। कहीं कहीं सिर्फ भावनाओं और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए लोगों ने जैसा मन में आया वैसा शिवलिंग बना दिया। लेकिन अगर हम प्रमुख 12 ज्योतिर्शिवलिंग को देखते हैं तो उन सब का आकार एक दूसरे से काफी अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाया गया है, जिसमें कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया है तो कुछ शिवलिंग को खुशहाली के लिए तो और कुछ को ध्यान साधना के लिए। लेकिन इन सभी शिवलिंग में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि ये सभी एलिप्सॉइड शेप में हैं। एलिप्सॉइड का मतलब एक अंडे के आकार में। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये भगवान से जुड़ा है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आप गलत हो, क्योंकि इसके पीछे का साइंस भी कुछ ऐसा ही बताता है। साइंस के अकॉर्डिंग शिवलिंग एक ग्रेनाइट से बनता है। ग्रेनाइट यानी के वोल्केनो लावा फटने के कई हजारों साल बाद ठंडा होने पर ग्रेनाइट बनता है और उसी पत्थर से शिवलिंग को बनाया जाता है। उस पत्थर में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के साथ साथ रिलीज भी कर सकता है। और उसी ग्रेनाइट से बनी शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किया जाता है और उस शिवलिंग को एनर्जी एक मंत्र के रूप में मिलता है। जैसे कि पहले गुरु अपने शिष्य को मंत्र लिख के नहीं देते थे, कान में कहते थे, जिसे मंत्र उपदेश या गुरु मंत्र कहते हैं। वे इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि कोई भी मंत्र एक ही स्वर या लय में कहा या पढ़ा जाता है तो उसे एनर्जी मिलती है। जैसे कि ओम नमः शिवाय, ये मंत्र पॉजिटिव एनर्जी देती है। अगर हम उसी मंत्र को उल्टा पढ़ें तो यवशी मनः ओम, ये मंत्र नेगेटिव इफेक्ट देती है। ऐसे ही हर शब्द में एनर्जी होती है, वो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकती है। दोस्तों, आपने शायद शिव पुराण नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपको इससे जुड़ी बातें और सीख सुनने में बहुत आनंद आता होगा। वैसे तो ये बात वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पढ़ने के कंपैरिजन में किसी भी चीज को सुनने से हमें वो ज्यादा समय तक याद रहता है। तो आज के समय में इसी कमी को कुकू FM के माध्यम से फुलफिल किया जा सकता है। दोस्तों, कुकू FM ऐप इंडिया का बेस्ट
प्लेटफॉर्म है ऑडियो बुक्स और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए। और मैं पर्सनली आपको कुकू एफएम पर मौजूद राज श्रीवास्तव की आवाज में भगवान शिव द्वारा बताई गई 11 सीख को सुनने की सलाह दूंगा। भगवान शिव के वचन हमें हमारी स्पिरिचुअल और सक्सेसफुल लाइफ को आगे बढ़ाने में काफी मदद करती है। इसके साथ साथ इस ऐप में आपको भगवद गीता, पवित्र रामायण और महाभारत हर युग में सच होने वाली 11 सबक जैसे ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी, जहां पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बल्कि आप इसे ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो, वो भी अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में। और यदि आप मॉडर्न जमाने की जरूरतों के अनुसार अपनी फाइनेंशियल लाइफ में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो इस ऐप में नॉलेज जनरल्स जैसे कि फाइनेंशियल नॉलेज, मोटिवेशनल मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटीज जैसे और भी कई सारे बुक्स मिल जाएंगी। और आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये सब आपको दिन के 1 रुपए से भी कम में मिल रहा है। जी हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करते हैं और हमारे प्रोमो कोड Discovery50 को यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% के डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी के 399 नहीं बल्कि 199 रुपए लगेंगे, वो भी पूरे 1 साल के लिए। तो जल्दी कीजिए, ये ऑफर केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है। तो सोच क्या रहे हो दोस्त, कुकू एफएम जैसे मेड इन इंडिया ऐप को अभी डाउनलोड करो और घूमते फिरते किसी भी वक्त ऑडियो बुक सुनते रहो। ये सच में लाइफ चेंजिंग है, मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो मंदिर में जब पंडित मंत्र का उच्चारण करता है तो वो मंत्र मंदिर के दीवारों से टकरा कर दोगुनी हो जाती है और शिवलिंग को मंदिर के ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है जहाँ से मंत्रों द्वारा रिलीज हुई वाइब्रेशंस टोटली अब्सॉर्ब कर उसे रिलीज कर सके। और जब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तब हमारे दोनों हथेलियों के प्रेशर पॉइंट्स आपस में टच होने के कारण शिवलिंग से रिलीज हुई एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ध्यान लगाने के समय भी दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में जोड़कर ही ध्यान लगाया जाता है। तो शिवलिंग से पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज होती है। इसी को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और चढ़ाए हुए जल को नदी या तालाब में बहा दिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिवलिंग शिव के शरीर का अंग है, लेकिन ये सरासर गलत है। दोस्तों, संस्कृत में विस्तार से बताया गया है कि लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान, यानी के शिव का चिन्ह या शिव का निशान, शिव का प्रतीक ही शिवलिंग है। लेकिन कई लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। शिवलिंग असल में एलिप्सॉइड आकार में होता है, मतलब कि एक अंडे के आकार में होता है। दोस्तों, लाइफ एक अंडे से शुरू हुई है और मरने के बाद भी अपना एनर्जी एक लिंग के आकार में ही होता है। और जो लोग ध्यान साधना करते हैं वो लोग अपने एनर्जी को लिंग के आकार में ही देखते हैं। वैसे तो शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका ना कोई अंत है और ना ही शुरुआत। असल में दोस्तों, इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें मौजूद हैं। पहला ऊर्जा यानी के एनर्जी और दूसरा पदार्थ यानी के मैटर। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। असल में और भी लॉजिकल वे में समझाऊं कि शिवलिंग की पूजा हम क्यों करते हैं तो इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकार है उसी आकार के जैसे पत्थर का एक लिंग बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस आकार में ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित करने की शक्ति होती है। और जो पूजा और कर्म कांड हम शिवलिंग के साथ करते हैं वो इसलिए ताकि उस लिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को समाहित किया जा सके और जब हम शिवलिंग के पास बैठें तो हमें उस ऊर्जा का फायदा मिले और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक युग में साइंस और टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, बस उसे समझने और समझाने का तरीका अलग अलग होता था। हमारे वेद और पुराण लुप्त हुई एडवांस सिविलाइजेशन का एक जीता जागता सबूत के तौर पर दर्शाता है। अगर ये जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक
करके कुकू FM को जरूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हर हर महादेव। जय हिंद।